Hi, assalamu alaikum everybody. You're watching ARY Musik YOLO. You only live once and you're watching Girls Republic. Aaj ka jo episode hai wo hai Valentine's Day special. And bahut waqt tak hamare ARY Musik pe jo hai promo chal rahe the. Selfie contest chal raha tha ki jiski best se best selfies hongi aur jo crazy fan hoga Asim Azhar ka usko mauka milega aaj Asim Azhar ke saath dinner karne ka. So as we all know that Asim Azhar is one of the most youngest talent that we have right now in Pakistan. उनके सॉन्ग्स इन लव माहिए एंड सोनिए इतने सारे उनके सॉन्ग्स हैं मुझे इतने अच्छे से नहीं पता लेकिन उनकी फैंस को जरूर उनके अच्छे से पता है उनकी फैंस को ये पता है कि उनको खाने में क्या पसंद है पीने में क्या पसंद है उनको कहाँ कहाँ घूमना पसंद है सो आई थिंक यस आज हमारे शो पर है आसिम अज़हर की क्रेजी 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 फैंस आई श्योर के आज एक चीज होती है हमेशा कनेक्शन होता है एक सेलिब्रिटी का एक आर्टिस्ट का और उसके एक फैन का तो जितनी खुशी एक फैन को होती है मैं सेलिब्रिटी से मिलने की उसे दुगनी खुशी एक सेलिब्रिटी को होती है और चीज मैं खुद विटनेस कर चुकी हूँ कि आसिम के चेहरे पे जब वो स्माइल आती है अपने फैन को देख के दैट इज एक्चुअली प्राइसलेस और वो ऐसा होता है कि यार यू नो व्हाट माय हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड ऐसा करते हैं कि अब जितनी भी हमारी क्रेजी फैंस हैं हम उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या चीज है कि उनको जिससे वो आसिम अज़हर की क्रेजी फैन बनी और कब से है वो आसिम अज़हर की क्रेजी फैन सबसे पहले इस साइड पे जाओ इस साइड पे जाओ इस साइड पे चलते हैं आई हैव विद मी शांजा शांजा आपसे तुम्हारी मुलाकात होती रहती है और ये तो आपकी जिंदगी की ख्वाहिश है ना अगर आज तुम ज्यादा ना बोली मैं आज बहुत बोलूंगी आज मैं बहुत बोलूंगी क्यों अच्छा मुझे बता ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से तुम आसिम अज़हर की फैन व्हाई क्योंकि वो आसिम अज़हर है क्या मतलब है यार हम भी है ना आसाफ है लेकिन फिर भी ना कोई एक चीज होती है ना कि उनका कि यार ये इसी आर्टिस्ट में इसी सेलिब्रिटी में और ये किसी भी चीज किसी और में नहीं है आसिम की आवाज हाँ और सिवाय इसके कि वो तुम्हारे एज ग्रुप का है हाँ है ना यार मैं पढ़ लेती मैं भी लड़की हूँ मैं भी एक वक्त 15 साल की हुआ करती थी एंड मेरे साथ है अरमीन भी पहली दफा हमारे शो पर आई थी 14th August का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल था नहीं न्यू ईयर स्पेशल उसमें आई थी अरमीन हाउ आर यू आई एम फाइन आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई आप मुझे बताइए इसी कोई एक चीज जो की आपको लगता है यार आसिम की ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है मुझे उनकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद है आवाज बहुत ज्यादा पसंद है अब हम आ जाते हैं शाजमीरा की तरफ शाजमीरा कैसी है आप बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिठाई की दुकान अच्छी चल रही है अरे शाजमीरा का नाम सुनते ही मुझे मिठाई का ख्याल आ जाता है तो मैंने सोचा शाजमीरा को मिठाई दे जस्ट फॉर अल्लाह अरे शाजमीरा मुझे बताओ कोई एक चीज जिसकी वजह से आसिम अज़हर की फैन है His voice and now I have with me Asfia मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है अच्छा अभी हम ऑफ कैमरा बहुत सारे डिस्कशन कर रहे थे हम सबकी बड़ी बातचीत चल रही थी इन लड़कियों को ये भी याद है कि इनका कब क्रश हुआ था आसिम अज़हर पे और इन्होंने बकायदा दिन और साल और महीने भी गिने हुए तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले जो है आप बताएं 1 year 5 months and 25 days मिनट्स और सेकंड्स में क्यों गाऊंगी अच्छा शायद तुम मुझे बताओ मुझे 3 साल हो गए हैं एंड 28 June 2011 ठीक है अच्छा तो जब तुमने पहली दफा देखा था आसिम अज़हर किस कॉन्सर्ट में गई थी टीवी पे देखा था क्या मैंने ARY म्यूजिक पे ही देखा था यार ARY म्यूजिक की बात ही कुछ और है अच्छा शाजमीरा तुमने पहली दफा कहाँ जो है देखा था आसिम अज़हर उनकी फैन बनके ARY पे ही देखा था वो पेफोन जा रहा था तो ठीक है एंड आपने मैंने उसको एक कॉन्सर्ट पे देखा था अपनी दोस्त के साथ गई थी ठीक है मुझे नहीं पता था पहले कौन है बट मुझे नहीं पता पता नहीं बोल लेकिन बहुत अच्छा लगा था मुझे अरमीन रिसेंटली अभी इनका एक जो सॉन्ग आया तो वो बस जब से देखा तो मुझे सॉन्ग की वॉइस बहुत अच्छी लगी ठीक है अच्छा मुझे बताओ कि अभी अगर आसिम अभी आता है तो अभी क्या सवाल पूछोगे क्या ऐसा कौन सा सवाल है जो पूछना चाहते जो आज तक किसी डीजे ने भी नहीं पूछा आसिम से सम क्वेश्चन दैट इज इन योर हार्ट जो तुम कहो कि आज भी पूछना है उससे वेल उसके इतने सारे फैंस हैं तो आई जस्ट वांट टू आस्क हिम कि अगर उसे हर किसी की शक्ल याद हो लाइक कोई मिलता है तो उसे रिकॉग्नाइज हो जाता है या ये वो थी तो ये पूछना है मुझे उससे ये पूछना है कि उसको याद रहते हैं अपने फैंस से नहीं याद रहते ऐसे देखो ऐसे नाइन साफ ही नहीं वो ये नाइन वो रोबोट है क्या वो कितने कॉन्सेंट करता है कैसे याद रहेगा मुझे बताओ शादी लेकिन हम ये आपका सवाल जरूर पूछेंगे हम खुद पूछना है ये सवाल उसे ठीक है अच्छा उससे आप मुझे बताओ कैसा कौन सवाल है जो पूछना चाहोगी आसिम से तो जी नहीं तो स्पीचलेस हो जाओगी है ना
शांता मैं तो आपके ताजे तासुरा जान के अंदर बेहोश होंगी मैं सबसे पहले बेहोश होंगी रही बेहोश होंगी फिर उसको होश में लाएंगे फिर ये सवाल पूछेगी अच्छा क्या सवाल पूछूंगी बेहोशी से वापस मैं सबसे पहले ये पूछूंगी उसकी पहले सबसे बड़ी फैन कौन है अच्छा एक होता है ना कि हर जगह कोई नाम दिखता है कॉम्पिटिशन होगी है ना तुम्हारी आंखों से पता लग रहा है मुझे अच्छा अजी नाम मुझे बता के पूछना चाहोगी उससे मैं इतना कोई खास नहीं है बस मुझे इनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है कोई खास क्वेश्चन नहीं है अच्छा वैसे मुझे बताओ वैसे तो आज वैलेंटाइंस डे है और आज हम डिनर करेंगे आसिम अजहर के साथ लेकिन मुझे वैसे बताओ जनरली कैसे वैलेंटाइंस डे मनाती हो कैसे पहली दफा मना रही हूँ पहली दफा मना रही हूँ आसिम के साथ तो मेमोरेबल रहेगा बहुत मेमोरेबल रहेगा अच्छा अर्मी वैसे कैसे मनाती हो फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स के साथ हैंगिंग आउट होती है बस ठीक है और शाजमीरा बस अपने लिए चॉकलेट फ्लाई कर ली बस यही सही है ठीक है और अस्ते आप मैं भी फर्स्ट टाइम करी वो भी सिर्फ आसिम अजहर के साथ ठीक है अच्छा बहुत सारी लड़कियां आप जो है आप कुछ लेके भी आए हो आसिम अजहर के लिए मुझे भी पता लगा था कि लड़कियों को याद है और तीनों के बैग से एक ही चीज निकली और तीनों के बैग से चॉकलेट निकली मैंने कहा ये क्या है तो उन्होंने कहा कि आसिम अजहर को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है तो यार तुम लोगों को कैसे पता लगा नाम मत लेना चॉकलेट का बताओ एक इंटरव्यू पे एक इंटरव्यू पे उसको चॉकलेट बहुत ज्यादा अच्छी लगती है शाजमीरा आपको तो शांता की इन्फॉर्मेशन काम आ गई होगी नहीं हम दोनों एक साथ बैठ के वीडियो एंड ट्रायल देख रहे थे तो इसलिए आसिम अजहर बता रहा था अपनी फेवरेट चीज है सर मैं बेचारी हूँ कितना फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ ना कि तुम्हें तो सारी इन्फॉर्मेशन शांता से पता लगती होगी सारी सब मुझे घर से आता होगा शांता तुम मुझे बताओ कैसे पता लगा वीडियो एंड ट्रायल से ठीक है अच्छा मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी जैसे फैंस होते हैं तो फैंस में कंपटीशन होता है कि नहीं मैं उसकी बहुत बड़ी फैन नहीं मैं उसकी बहुत बड़ी फैन ये सब फैंस जो होते हैं वो सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं अब लाइक मेरी है हम लोग ग्रुप है आसिम मेट्स ग्रुप कहते हैं अपने आप को हम लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं लेकिन वो जो बाकी जो बाहर के ग्रुप है ना उनके साथ हमारा बहुत कंपटीशन होता है देयर लाइक हम लोग बहुत बड़े फैन एंड वी लाइक नो वेयर द बिगेस्ट फैन अच्छा तो कैसे ये कैसे डिफरेंशिएट कर देंगे आप बहुत बड़े फैन हो या वो बहुत बड़े फैन टाइम कितने टाइम पीरियड से हम लोग उसका फैन रह चुके हैं यार और आई थिंक आप तो वैसे ही बड़ी सुपीरियर हो चुकी होगी अपने फ्रेंड्स में है ना कि अब जब सेल्फी जाएंगी आसिम अजहर के साथ और जाएंगी पिक्चर्स आसिम अजहर के साथ चलो सबसे पहले मुझे बताओ कि ARY म्यूजिक को कितना जो है आप क्रेडिट देंगे आज के शो का और क्या ARY म्यूजिक से पता चला आसिम के बारे में बेस्ट टीवी चैनल वही कि ARY से ही पता चला और ARY के थ्रू ही मिल रहे हैं और मेरी विश पूरी हो रही है ये आई थिंक इसका क्रेडिट सारा हमारे डायरेक्टर को जाता है कामी जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं सारा क्रेडिट उनको जाता है हमारी टीम अदील सलमान इन सबकी जो है ये मेहनत है जिसकी वजह से आज ये शो हो रहा है अर्मी आप क्या कहना चाहेंगे 100% काफी मतलब देते हैं चांस अच्छे से अच्छे सेलिब्रेटर्स के 100% अच्छा सर कौन सा टैलेंट होगा जो आप सब आसिम अजहर हर वक्त आप लोग एंटरटेन करता है कौन से इसमें आते हैं अपने अच्छे अच्छे एल्बम्स बनाते हैं आप कैसे उसको एंटरटेन करोगे उसकी तारीफें करके ये क्या बात है उसकी तारीफें करके गाना गाऊंगी आसिम का गाना वो भाग जाएगा क्यों भागेगा गाना गाओ जब वो आएगा फिर हमें गाना गाना है ठीक है शाजमीरा मैंने आसिम के साथ सिंग करना ठीक है नस्तिया मैं भी सिंग करना चाहूंगी बट अच्छा वैसे अस्तिया को एक्टिंग का शौक है अस्तिया है तो मुझे बताओ कि कुछ एक्टिंग का कुछ करके दिखाना चाहोगी अगर हम तुम्हें और आसिम का कुछ इस किस्म की कुछ स्टोरी लाइन बना लेंगे थोड़ी सी एक्टिंग करनी है I would love to. You would love to, ठीक है, कुछ ऐसा करेंगे एंड अर्मी आप क्या करना चाहेंगे मैं तो ठीक है बहुत सारी गपशप हो चुकी है बहुत सारी बातें हो चुकी है अभी हम जाएंगे एक ब्रेक ही तो ब्रेक में जाएंगे वापस आएंगे एंड होपफुली शायद आसिम अजहर हमारे साथ हो यस वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेक कहीं मजा आइए देखते रहिए गॉसपेल फैमिली वैलेंटाइन स्पेशल ओनली ऑन ARY म्यूजिक Welcome back. You're watching Gosrupali Valentine's Day special. And
वक्त गुजर रहा है, सबके एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है कि आसिम अजहर आएंगे और सबके साथ जो है वो डिनर होगा, लेकिन थोड़ी सी आई थिंक के कुछ चीज़ों की वजह आई थिंक शायद मे बी वो हमें शायद ज्वाइन ना कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं है, वैलेंटाइन डे हम सब एक साथ मिलकर मनाएंगे तो उसमें कोई जो है वो दुख की बात नहीं है। अच्छा वैसे मुझे बताओ कि रैंडमली अगर तुम लोगों का जो है वो ड्रीम वैलेंटाइंस डे या डिनर जो होगा वो कैसा होना चाहिए? सबका मूड ऑफ हो चुका है बुरी तरीके से। अच्छा मुझे बताओ शांगा, आपने तो कुछ सोचा हुआ होगा? क्रूज आई गेस। क्रूज एंड अरमीन? अरमीन मुझे तो घर से लगती है, अरमीन बोलेगी वैलेंटाइन डे बनाई क्या, मैं घर में कढ़ाई बना लूंगी, आ जाना। मोस्टली फ्रेंड्स के साथ हैंगिंग आउट चलता है। अच्छा फ्रेंड्स। अच्छा अगर किसी और कंट्री में जाके वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहेंगे तो? स्विट्जरलैंड। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो लोग यही रहे और इसको सही करें। ठीक है ये सही है। ठीक है तो इस बारे में दिल दिल पाकिस्तान सुना दो। चलो हाँ मेरी बात अच्छी नहीं है, आवाज अच्छी नहीं है, ये लाइक यू बंद हो गई है भाई। Everybody now, hands, hands in the air, hands, hands in the air. Screaming like you just don't care, screaming like you just don't care. Somebody tell this girl we do it right. Whoa, we are the ones, baby, who do it all night. Asi kare na yo jana, asi kare na yo jana. Baare ya samana, kenda ra de. Whoa, asi kare na yo jana, koi na ra tuhana. Jis tak kya kana, bajda ra de. And I need somebody tonight. बहुत खुशी है शानदार बहुत ज्यादा है। आसिम अजहर हमारे साथ हैं। आसिम ये है आपकी क्रेजियस फैन यार। इंट्रोडक्शन क्या क्या नाम ये हमें कह, आप सब तो मेरे नाम बताइए। आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रोमो चल रहा था, सेल्फी कॉन्टेस्ट था जिसमें आपकी क्रेजीएस्ट फैन फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान जो आपके साथ बैठे हुए हैं उसकी नजरें नहीं हट रही है आप से, वो मैं आपको बताती चलूं। लेकिन आसिम हाउ डू यू फील? आई फील वेरी नाइस बिकॉज नॉर्मली उनसे फैन से ऐसे मिलने का मौका नहीं मिलता। अच्छा यू आर शाय? आई एम नॉट, I don't know. I think you're shy because जब से लड़की बैठी इधर देख रहा है। जी 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 जी। तुम्हें किधर देखी? इधर। इधर इसको देखो। बोल किसको देखो? Good to meet them and you know have some nice time. ठीक है क्योंकि आपकी एक फैन है शाजमीरा, वो मुझे कह रही थी कि मैं आसिम से पूछूंगी, लेकिन मैं नहीं पूछती शाजमीरा, आप खुद पूछिए मुझे। मुझे ये पूछना था कि इतने सारे फैंस हैं एंड यू मीट देम एवरी डे, सो जब भी वो वापस मिलते हैं सो यू रिकॉग्नाइज देम? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इट डिपेंड्स ऑन हाउ आई मीट देम। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है व्हिच इज समथिंग जो मैं नहीं भूलूंगा, इट माइट बी वियर्ड और यू नो समथिंग दैट्स नॉट फॉरगेटेबल, तो आई रिमेंबर देम। बट इट इज हार्ड you know to I try to remember everyone taaki wo log ye na samjhe ki you know ki unki value nahi hai meri nazar mein, lekin I value every one of you and every one of them equally and I try to remember them as much as possible and I I'm sure I will remember you for this. Shanza and Asfia kuch leke aaye, kya leke aayi thi aap? Chocolate. Asfia, you like chocolates? No, I like chocolates. Yes, you like chocolates? You love chocolates? I love chocolates. Who doesn't love chocolates? I don't like chocolates. What kind of a human being are you? मुझे नहीं अच्छी लगती चॉकलेट, अजीब सी बात है, इसको भी नहीं पसंद, मुझे भी नहीं, इंसान होते हैं इसमें। क्या पसंद? बिरयानी। नहीं मतलब वो बिल्कुल ऑपोजिट है। नहीं मुझे मुझे केक पसंद है, मुझे पेस्ट्रीज पसंद है, लाइक ब्राउनी, लेकिन चॉकलेट मुझे अच्छी नहीं लगती। चॉकलेट जो है वो शांत एंड असलिया दे सकती है, आप प्लीज हंसना बंद कीजिए। आप चलो ब्रेक पे जाओ। चलो मैम शांजा, अरमीन, शाजमीरा एंड असलिया।
इन सब लड़कियों से बात करी थी आसिम, इनको कहा मैंने कि आसिम आपको हर वक्त एंटरटेन करते हैं, एल्बम पे काम चल रहा है, सिंगल्स पे काम चल रहा है, रिलीज भी हो रहे हैं, पसंद भी किए जा रहे हैं, कौन सा इतनी मेहनत करते हैं, मैंने कहा आज आपके फैंस को एंटरटेन करना चाहिए आपको, ठीक है, हां दैट्स अ गुड आईडिया, है ना, तो यस यू शुड बी द वन यू एंटरटेन एग्जैक्टली. तो मैंने पूछा सबसे एक एक करके कि आप लोग किस तरह एंटरटेन करेंगे आसिम को, तो शान साहब कैसे एंटरटेन करेंगे, मैंने कहा तो मैं तारीफ करूंगी बस, नहीं मैं गाना गाऊंगी आसिम के साथ. गुड गुड. शाजिया सेम हसफिया but you're gonna act, right? You're gonna act. You Asfia ko acting karne ka bahut zyada shauk hai. So sab log kaise shuru kare yahan se? I think acting se shuru kare. Acting se shuru kare. ठीक है जी. तो अब ऐसा होगा कि हम स्विच कर देंगे आपकी पर्सनालिटीज को, असफिया बन जाएंगी आसिम अजहर, आसिम अजहर बन जाएंगी असफिया. तो असफिया को एक्ट करना है जैसे मैं एक्ट करता हूं. हां आई वांट टू सी हाउ डू आई एक्ट, हां आई वांट टू सी माय इंप्रेशन इज. लेकिन फिर आपको भी ऐसे करना पड़ेगा. मैं तो अभी उनसे मिला हूं. आई विल एक्ट लाइक अ फैन, लाइक अ फैन, लाइक अ क्रेजी फैन. या शी हैज टू एक्ट लाइक मी. ओके डन. इंप्रेशन करना. ओके डन. डन हो गया. शी विल चेंज फेस. Oh my God, आसिम अजहर कैसे आप? कैसे आप? इतने लंबे बाल हो गए आपकी. ठीक है आप. चलिए जी. तो आसिम आज मेरे साला की बहुत क्रेजी फैन मौजूद है जो कि है अस्मिया. नो नो देन अस्मान. अस्मान क्या हाल है आपके? अस्मान अच्छा नहीं, एवरीथिंग ओके? अस्मान आप रो क्यों रहे हैं? आसिम आपकी फैन. आसिम कुछ कहना चाहेंगे अपनी फैन को? थैंक यू सो मच. आसिम आपके फैन को पानी चाहिए, उनकी तबीयत खराब हो रही है. आई कांट लुक एट हिम, इट्स सो अनरियल. So unreal, उनको यकीन नहीं आ रहा कि आप. Please follow me on Twitter. आसिम Am I that action? मेरा कोई तो reaction देता होगा. I'm sure कोई तो reaction देता होगा. कोई तो देता. कुछ भी कर ले. नहीं मैं वो इंडिया मूव कर रही है तो कुछ आखिर ही में क्या आसिम की कोई चीज़ हो याद हो. हाँ आसिम अजहर मुझे बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? हलीम. हलीम स्टीक. ठीक है. And हलीम कराची हलीम. ठीक है. ओके. और मुझे बताओ कि आपको कैसा लगता है आपने फैंस से मिलते हो, कैसी फीलिंग आती है? एक्साइटेड? या ऑब्वियसली आई फील वेरी गुड. एंड अच्छा मुझे बताओ कि आपकी सबसे बड़ी फैन आपके घर में कौन है आपकी? इसका तो पता है सबको, पता है मुझे भी पता है यार. My mom. I think that's enough. I think we should just switch places now. I'm not that speechless. I talk more. And actionless. I do talk more, right? Yeah, you do talk more. It's okay, but you did very well. Yay! Good job. चले आसिम यार आप इतने ऐसे हैं आप. नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं बोलता हूँ इससे ज्यादा बोलता हूँ और इससे ज्यादा रिएक्शन देता हूँ. But it was very sweet to you by the way. No, I think you should be. मतलब we're all at the end of the day we're all the same. You know we're all human beings. Yes. No one's superior to anyone. It's just that I'm lucky that they like my music and they support me. So but at the end we're all the same. Yay! तो अब. And we're all hungry. Yes, very. Please वो मेरे जख्मों में मिर्च ना डालें यार आप आसिम. अच्छा जी कौन आना चाहेगा? She's the younger one. I'll tell you. Okay. Come. Which song? Song. Like, okay, सुनिए. So हम साथ शुरू करेंगे या आप एक लाइन गाओगे? Together. Okay. Ready? Dil mein kyun har chalti machi, saansein kyun meri thamne lagi, kaise tune aisa kiya na chahte hua bhi kehta gaya main, koi to roko, roko se roko se koi roko, suno meri baat meri suno, phir marzi tumhari jo samjho, tell me what you want girl, tell me what you like, we can do it all day, we can do it all night, tell me what you want girl, tell me what you like. ओह सुन दे अपने दिल की तू भी, तुझसे क्या है कहता मुझसे ना छुपा ना छुपा. So listen, you can do whatever, we can do this better, 'cause I know how we are, how we are. Yay! Good, good, good. Good? Good.
who's your ex? Shadi, how did you feel with Asim Azhar? What did you say to him? My heart went. Oh, cutie! Good job. Chale ji. No, दिल करता है तुझमें समाए हम कैसे बताएं कि तुझको चाहे समझो तो जरा हलचल दिल में मची हुई थी देखो तो जरा आज वो चाहिए बेबी नीड मी है इसकी वजह I got the something ready for you. This one is a tu meri jind jaan soni hai. Tere te sab kuch wala main. Duniya galla aakhi hai. Hir tu meri naan jaan hai. Tu meri jind jaan soni hai. Tere te sab kuch wala main. And all the other guys chasing you. Tell them to go and find another way. Woohoo! How did you feel? Out of the world. I know you're a very crazy fan. How do you feel sitting right beside him? He's real. Of course, you know. Inka talent hai. Inka talent judge karna tha. Nahi, inka talent no hona chahiye. Ah, yes, I forgot. Oh, you're a better host. Questions, yeah. Kuch ye sochi. Chale ji, ki mera kaam thodi ki main saans le lu. Yeah. Chale ji. Okay. What's your name? Army. VJ Army. Okay. Let's go. Hello, assalamu alaikum everyone. Jaise ki aap dekh rahe hain Wheels Republic show aur aaj hamare saath ek special guest maujood hain aur Valentines Day hai to jo sabse zyada craziest friends hain unki aur wo shakhs aaj hamare saath maujood hain Asim Azhar aur Hina ke saath hain hamare. और आज जो हमें शो में पता चला कि मुझे हिना भी जो है आसिम की बहुत ज़्यादा क्रेजीस्ट फैन है और जैसे कि आसिम सर आज मौजूद है तो बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे उनसे और ऑलरेडी उनकी बहुत सारी फैंस मौजूद हैं यहाँ पे तो जी आसिम आप बताएं कि पहली बात तो आपको अपने फैंस को देखकर कैसा लग रहा है मुझे अपने फैंस को देख के बहुत अच्छा लग रहा है Which is the obvious answer. I know. I can't say that it's bad. If it's bad, it's bad. Then we'll say it. No, I like the jokes apart. And it's nice. Like I said, it's different. That I'm with them and it's more personal and there's no security and there's food which I like. So, yeah, it's good. First, tell me that when concerts go to the concerts and the fans get there, they're very different as compared to there. So, how do you handle them? मैं बताता हूँ व्हाट शी मींस इज़ कि उस वक्त एक सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है उस वक्त एक जोश होता है एंड दे जस्ट वांट टू मतलब यू नो ब्रेक द बैरियर और बैकस्टेज एंड स्टफ यहाँ इट्स मोर काम इट्स मोर मैं भी यही हूँ कोई मुझे लेके नहीं जा रहा है एंड आई हैव टू रश एनीवे सो इट्स It's different because उधर मैं नहीं रोकता उनको मैं कभी नहीं रोकता उनको ठीक है if I could मैं हर concert पे सबसे मिलके जाऊँ but it's always the security जो पता नहीं उनको क्या मसला है they think इनके उनको मसला नहीं वो आप ही मारेंगे मैं उनको कहता हूँ मैंने कहा मेरे fans मारेंगे थोड़ी मुझे क्या करेंगे ज़्यादा ज़्यादा picture खींचनी है लेकिन they say कि भाई बहुत rush हो जाता है कोई गिर जाए कोई So yeah, it's different. The scenario is different. उधर बहुत rushy होता है, इधर it's more calm as you can see. So yeah. जैसे कि आप देख रहे हैं कि आसिम अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे craziest fans भी मौजूद हैं. तो आज इन्हें इनके साथ ये craziest fan dinner भी करेंगी और हमारे साथ भी हिना भी हैं जो उनके साथ भी हम dinner करेंगे. चलिए जी. Good job. इसका हक कहाँ है? Oh, well done. Good job. Well done. Chale ji, okay. So, Asim, you entertained well? Yes, very good. Fun. What's the best performance for you? I think everyone was good, but I wasn't expecting that this would be a good host.
because she's very quiet. She's very quiet abhi, but when she started hosting, so mujhe lagta hai she can be a very good host. See, I think that's great. Yeah. Lekin abhi humko jana padega ek chote se break ki, jab Asim se bilkul break nahi lungi, main upar aapko torture nahi karungi. Theek hai, hum ja rahe break, kahin mat jaiye. Theek hai, ye Ghost Republic ARY Music. Alright people, welcome back. Tables lag chuki hamara jo show tha, Dinner with Asim Azhar, uska maqsad bahut jald pura hone wala hai. So yes. Asim, you like food? I love food. Yes, I'm a foodie as well. Acha Asim, aap jo hai weight conscious kitne? I'm not weight conscious, lekin jaise you know, different projects wagera jinko zarurat hoti hai, you say ki bhai we need you a bit you know, less on the weight or zyada kare, uske hisab se I manage. But other than that, I don't care. Acha ji, sare fans hamare sath baithe hue Asim, in sab ne aapko entertain kiya, lekin I think ki ab hum kuch aisa karne wale hain ki aapki fans कुछ भी कोई ऐसी चीज, उनकी ख्वाहिश, कोई भी ऐसी विश जो आपको कहेंगी कि आसिम आप ये करके दिखाएं या ये करें, आपको करना पड़ेगा. आसिम जगलिंग करके आसिम भंगड़ा डाल के दिखाएं, टेबल पे नाच करेगा. नहीं नहीं नहीं, बहुत ही डिसेंट तरीके वाली चीज है. ठीक है, तो आर यू नर्वस? नो नो नो. अगर कुछ बोल दिया, अगर बोल दे आसिम टेबल पे खड़े होकर डायरेक्टर मना कर देंगे. क्या चाहेंगे अभी आसिम अजहर आपके लिए, क्या करेंगे? आसिम अपने फोन से एक सेल्फी कैप्चर करें एंड वो पोस्ट करें. तो फिर वो ऐसा करते हैं कि आई विल टेक, मतलब ये जो टास्क है विल कीप इट फॉर द एंड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आई जस्ट डू इट विद यू बिकॉज़ सारे आए हैं. सो वी विल ऑल टेक वन सेल्फी एंड देन आई विल पोस्ट इट ऑन माय. ये चलिए ठीक है. नेक्स्ट, आप कोई भी अपनी एक चीज मुझे दे, लाइक जी मैं अपने पास रखो. No, I think I have something, but okay. It's 50 rupees note. It's my note, but I also have a pen. So I'll sign it and then you can keep it, but don't spend it. Main us jagah sign karunga jahan spend karne se rukte rahe. There you go. And you keep the pen as well. Yay! Zabardast, zabardast. Alright, I mean, आप क्या चाहेंगे आसिम अजहर, क्या करें आपके लिए? मैंने इनका एक बार इंटरव्यू लिया, मैं चाहूंगी कि ये मेरा एक बार इंटरव्यू है. Okay, I'm interviewing Vijay. Yay! Stand by, 3, 2, 1, action. Assalamu alaikum, and I am Asim Azhar. Well, Vijay Asim right now. Here at Pizza Point, और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी और यूनिक पर्सनालिटी मौजूद हैं, who is Vijay. Okay. So I have a few questions for you, and मैं इससे शुरू करूँगा कि इतनी young age में success कैसे handle की? बस ये सब अल्लाह का. बस गरूर नहीं किया अल्लाह, मैं कभी गरूर नहीं किया. अच्छा ठीक है, ठीक है, good good answer. I like that. School, जब college school जाती हैं तो लोग जब पागल होते हैं आपको देख के, तो कैसा reaction होता है? क्या easy रहता है उस environment में रहना, या मतलब दूर दूर रहती हैं सबसे? जब friends की gathering में होते हैं ना अपने, तो कोशिश करती हूँ दूर दूर रहूँ. और वैसे अगर जैसे आप अलग हैं, जैसे friends अपने group नहीं बना हुआ, तो फिर सही है. अच्छा, जाने से पहले anything you would like to say to so many fans of yours जो अभी आपको देख रहे हैं? मैं ये कहूँगी कि यू नो, आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं और कोशिश करें कि मेहनत करें और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल. जबरदस्त जबरदस्त, दैट वाज वी जर्मीन. और उम्मीद है अगली दफा किसी और गेस्ट के साथ मैं और मेरे डायरेक्टर हमारे साथ होंगे. सी यू नेक्स्ट टाइम. जी शानजाद, क्या चाहेंगी कि आज से मुझे क्या करें? एज वैलेंटाइंस डे है एंड इट्स ऑल अबाउट समथिंग स्पेशल एंड स्टफ, I want you to propose. कब पता लगेगा? एक ही लाइन है, क्या हो गया? नहीं, तूने पैराग्राफ होना चाहिए पूरा, चार लाइन का. So you want it to do over here or over there? I'll do it over there. उधर ज़्यादा स्पेस है. ठीक है, ओके फाइन. ओके डायरेक्टर साहब, आप देखिए. ओके प्लीज आसिम जाइए आप. गल सुन तू छड़ ना जुनू, आके बन मेरी है ना, तू गल छड़ दे मेरे दिल विच रही जा, कुड़िए तू बेमिसाल कर गई सानू बेहाल, गई चिलके नहीं बेगानी कैन एक्सप्लेन इट एट ऑल, गई दिल मेरा ले गई तू, गई There goes my heart, there goes my I'm love. Tere naal ho gaya
प्यार तेरे उत्ते दिल का दिल दार नीला हाय शांजा So I would like to ask you something. Yeah. Well, इतना अच्छा गाने के बाद तो I think कोई मना नहीं करेगा. But okay, so I'll kneel down and I'll ask you, would you be my Valentine? Yes. Woo! Can I have another hug? Thank you. How was it? I swear, my legs jelly. You know, I've never ever done this. Practice only, you know what I mean? Haan, but I don't think I'll ever need to do it. ये जो है एक दफा आसिम जब रिसेंटली मेरे शो पर जब आए थे तो हम सब डिस्कशन कर रहे थे आसिम के क्रेजी फैंस को लेके तो आसिम ने खुद कहा कि यार कुछ ऐसा शो होना चाहिए कि मैं इंडिविजुअली अपने क्रेजी फैंस से आके मिलूं तो उसकी वजह से हमने शो को इनकॉर्पोरेट किया एंड कामरान जो हमारे डायरेक्टर है अदील सलमान इन सबकी टीम तो एक सिर्फ राफे एक आइडिया मैंने डाला था एंड थैंक यू टू द होल टीम एंड थैंक यू टू यू एंड टू ऑल द फैंस जिन्होंने सबमिट किया एंड फॉर मेकिंग इट पॉसिबल वैसे आज कैसा लगा आपको पिकअप मुझे बहुत अच्छा लगा इट्स माय फर्स्ट टाइम हियर मैंने बहुत नाम सुना था एंड आज आई गॉट टू बी हियर इट्स वेरी नाइस इट्स वेरी नाइस ऑफ वैलेंटाइन के लिए आज से नो नाइसली बिल्ट रेस्टोरेंट नाइस इंटीरियर गुड एनवायरनमेंट एंड नाइस पिज्जा ये फूड इज हियर स्पेशल पिज्जा अब जो है बताते चल रहे ये मैंने वादा किया था आसिम अजहर के साथ डिनर करने का खुद पीसेस काट के दे रहे हैं तो इससे ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं लड़की मैं हूँ काम ये कर रहे हैं कोई बात नहीं यार करना चाहिए फॉर अ चेंज मैं बोल रही हूँ शादी में बैठ खड़े नहीं होते लोग अम्मी अम्मी खाना दे अम्मी बता सबने जो है सबकी विशेस पूरी हुई है सारी चीजें हुई है वो एक चीज जिससे जेलेसी हो कि ये चीज मुझे करनी थी आई वांटेड हिम टू प्रपोज मी विल यू बी माय वाइफ यस यस ऑब्वियसली अच्छा शाश्मीरा सेम विद मी शांत ने प्रपोज कर दिया ना सब लोग मतलब सबको ये सबको ये वॉइस थी आई मीन सेल्फी सिर्फ शांत ने ली सेल्फी ठीक है शांजा खाना भी इंजॉय करेंगे एंड आखिरी मैसेज आसिम आप क्या देंगे अपने फैंस को ऑन दिस वैलेंटाइन आई'd लाइक टू से कि वैलेंटाइन सिर्फ एक किस्म के प्यार का दिन नहीं है और कुछ लोग इख्तलाफ भी करते हैं कि व्हाई वी शुड बी सेलिब्रेट वैलेंटाइन इट्स जस्ट अ जेस्चर ऑफ लव आई डोंट थिंक इट इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट हां हर दिन हम मना सकते हैं प्यार का दिन लेकिन ये एक स्पेशल डे बनाया गया है नॉट जस्ट टू योर वाइफ हस्बैंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बट टू एनीवन आपके जो माँ बाप भी हो सकते हैं आपके बहन भाई भी हो सकते हैं आपके कजन पुत्र वाला जो भी हो सकते हैं एनीवन यू लव योर फ्रेंड तो इट्स जस्ट अ डे कि आप जो नहीं एक्सप्रेस करते उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि दिस इज द डे जो एक्सप्रेसिव डू समथिंग जो जो उनको स्माइल कराए लाइक आई सेड कैन नॉट वेरी एक्सप्रेसिव बट आई ट्राई टू डू समथिंग कभी ना कभी जो मेरे जो जिनको मैं प्यार करता हूँ वो उससे खुश हैं और मुस्कुराएं चलिए जी थैंक यू सो मच आसिम कि आपने टाइम निकाला आप आए थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल द फैंस कि आप सब आए एंड थैंक यू कहना चाहेंगे आप यस थैंक यू ऑब्वियसली यू पीपल शुड से थैंक यू टू हिम बाय द वे नहीं इट्स ओके यार एक दफा ठीक है सब एक साथ आवाज में 3, 2, 1 थैंक यू All right, we're going to wind the show now. Rakhi ka na bahut zyada khayal enjoy kijiyega Valentine's Day ko only with ARY Music. Take care and bye bye.